स्वागत आप सभी का। आज जिन तीन राशियों की बात होगी इनको धन की आवक होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो परिवर्तन करेंगे, शनि का जो शश नाम का राज होगा इसकी पावर जो बढ़ेगी, क्योंकि शनि और गुरु अलग जो होंगे और इनका दोनों का एक दूसरे से अलग होना मकर राशि वालों को तो अच्छा है ही, मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा है, कुंभ वालों के लिए भी अच्छा है। तो गुरु शनि का अलगाव, जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इस महीने में बहुत बड़ी बड़ी उठा पटक होंगी। सेकंड लास्ट मंथ है ये वर्ष 2021 का, और जिन राशियों के बारे में आज वीडियो में चर्चा करूँगा, इनमें से दो राशियों पर तो शनि का प्रभाव 7.5 के रूप में भी चल रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और जो बातें आपको बताई जाती हैं इनको फॉलो भी करिएगा। दोस्तों नमस्कार करता हूं आप सभी को, मैं हूं मानविंदर रावत, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे एस्ट्रो 24 व हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ ही आपको एक विनम्र निवेदन भी करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें। और इस महीने की ग्रह गति ये कहती है कि सूर्य जो ग्रहों के राजा है वो नीचता छोड़ करके दिनांक 16 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध ग्रह भी अपनी कन्या राशि को छोड़ करके अपने प्रिय मित्र शुक्र की तुला राशि में गोचर कर जाएंगे 2 नवंबर को। उसके बाद 21 नवंबर को फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में जाएंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में रहेंगे, शत्रु राशि में रहेंगे। मंगल पूरे महीने मकर में है, ये तुला में है ही, और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति दिनांक 20 तारीख को कुंभ राशि में पुनः वापस लौटेंगे, अपनी नीच की राशि को छोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार का है इस महीने का ट्रांजिट। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा मीन राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे भी मीन के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी राशि की जो जिम्मेदारी है वो है देवगुरु बृहस्पति के पास। देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में हैं, वो भी पहले 20 दिनों तक। इसका मतलब पहले 20 दिन आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि मार्गी भी हो चुके हैं। लाभ के घर में स्वराशि के शनि हैं, बहुत अच्छा नियम है, लाभेश और साथ में राशि के स्वामी इकट्ठे हों तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे देते हैं। दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, महालक्ष्मी विराजेंगी आपकी राशि में, आपके घर में, इसलिए सभी मीन राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार का फल है जो मैंने अभी बताया वीडियो में। इसके अलावा आपके कैरियर के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, पहले 20 दिन तक लाभ में है। इसका मतलब कोई जॉब को लेकर के उथल फुथल करनी है तो बिल्कुल की जा सकती है, फेवरेबल सिचुएशन बनी हुई है। यहां पर भाग्य के, पिता के, मांसपेशियों के, बैक के, इसके स्वामी मंगल है, वो अपनी राशि से 12वें में है, वो भी तुला में, सूर्य के साथ है। सूर्य मंगल का इकट्ठा रहना अच्छा नहीं होता, तनावपूर्ण स्थिति को बना देता है, तो यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुली वर्क करना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। तो ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, जितने भी मुझे भी सुन रहे हैं। दोस्तों पिता के साथ मनमुटाव होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और मीन राशि वालों को विशेष जो मेरा आग्रह है वो ये कि आपके कुंडली में हेल्थ के, रोग के स्वामी सूर्य हैं और वो रोग के ही घर में रहेंगे पहले 15 दिनों तक। उसके बाद फिर ये रोग स्थान को छोड़ के भाग्य में आ जाएंगे। भाग्य में आना इनका अच्छा, पर केतु की युति में रहेंगे, तो सूर्य केतु की युति
भाग्य के घर में अच्छी नहीं होती। पिता को हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपको स्वयं को तकलीफ आना, ऐसा एक योग बनता है। थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं विशेष आग्रह करूंगा। बुध ग्रह 2 तारीख से लेकर के और 21 नवंबर तक आपको अच्छा फल नहीं देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के 8th हाउस में चले जाएंगे, तो ऐसे में अपने जीवन साथी के साथ आपका मतभेद बनेगा। और आगे के दिन यानी कि 22 तारीख से कुछ सुधारात्मक स्थिति बनेगी, जब सूर्य बुध और केतु की युति बनेगी, जिसमें आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे। इस महीने बीमारियों पर पैसा खर्च होने का एक प्रबल योग पूरे ही महीने आपकी राशि में बना हुआ है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मकर। जितने भी मकर के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूंगा कि आपकी राशि के स्वामी अपनी ही राशि में शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। आपके घर में तो महालक्ष्मी जरूर विराजेंगी। और देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात कि 20 तारीख को धन के घर में देवगुरु बृहस्पति भी जा रहे हैं, इसका मतलब धन की आवक भी होगी, जॉब भी मिलेगी, ट्रांसफर और प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी। राज्य में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पर शुरुआती पहले 15 दिन रहेंगे दौड़ भाग वाले, अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद काम बनेंगे, पर बन जाएंगे ये मैं जरूर कहूंगा। और इतना ही नहीं, आपके लिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध केंद्र में आ रहे हैं 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। इस टाइम पीरियड में आप अगर चाहें तो कोई अपना विशेष काम बनवा सकते हैं, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। और 16 तारीख तक तो सूर्य मंगल और बुध की युति भी रहेगी, तीनों एक ही साथ हैं, तो आपके काम बनवा देगी ये युति। और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे है, तो निष्ठा को भी भंग कर रही है वो सूर्य की, शनि के द्वारा, तो आपके लिए विशेष सफलता यहां पर दिखाई देती है। 22 नवंबर को ये लाभ स्थान में चले जाएंगे, और लाभ स्थान में इनका युति बनेगी सूर्य और केतु के साथ में, जो 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जाता हुआ महीना ये व्यापार में कुछ देता हुआ जाएगा, पर लेगा क्या, लेगा आपके भाई बहनों का सहयोग, आपको दौड़ भाग बहुत कराएगा, मेहनत काफी करनी पड़ेगी आपको। और साथ में आपसे क्या लेगा, ये लेगा आपके पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई देती, बस थोड़ा सा एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जरूर आपके शरीर में जल्दी से अपना घर बना लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 20 तारीख से विशेष फल है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति धन के घर में आकर के पैसे का फ्लो को ठीक करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने थोड़ा सा पढ़ाई में कमी मन लगेगा, थोड़ा घूमने फिरने का ज़्यादा मन करेगा, ऐसी एक ग्रह गति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। जितने भी जातक मुझे अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझना, आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, अपनी राशि से 12वें में बैठे हैं। ये साइन तो खैर आपके लिए पैसे के नजरिए से अच्छा, और 12वें भाव में शनि बुरा फल नहीं देते, इसलिए कुंभ वालों को शनि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहे, और इस महीने भी नहीं पहुंचाएंगे। उल्टा 20 तारीख से स्वयं आपकी राशि में गुरु आ जाएंगे और राजयोग बना के आएंगे, और राजयोग भी यहां पर लगन में यानी कि राशि में जब गुरु बैठेंगे तो ये दिशावली हो जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और लेके क्या बैठ रहे हैं ये देखने वाली बात है,
ये लेके बैठ रहे हैं आपका लाभ और आपका पैसा, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपका आध्यात्म, आपकी टीचिंग, लेक्चरर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, आपकी वाक शक्ति, धन, परिवार, इसको लेकर के आपकी राशि में बैठ रहे हैं 20 तारीख से। इसका मतलब 20 तारीख से बड़े बेनिफिट होते हुए पत्नी में नज़र आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बेनिफिट 20 से मिलेगा, बेनिफिट तो पूरे महीने मिलेगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा आपकी राशि में, क्योंकि आपके लिए शुक्र का जो केंद्र त्रिकोण राज्य हो गया वो पावरफुल रहेगा। पंचमेश, ये चतुर्थेश और नवमेश शुक्र लाभ के घर में बैठे हैं, तो जितने भी कुंभ राशि के दर्शक हैं और फिल्म लाइन से, संगीत से, कला से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हुए हैं, खाने का काम करते हैं, लीकर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मिठाई का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। छोटे छोटे सजावट के से संबंधित जो सामान होते हैं उसका काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये कहा जा सकता है। बात करें यदि कोई नई चीज़ खरीदने की, तो बिल्कुल खरीदिए, समय उचित है, खरीदा जा सकता है। इसके अलावा दिनांक 16 तारीख से कुछ और सुधारात्मक स्थिति बनेगी नवंबर के महीने में, जब सूर्य अपनी नीच की राशि को छोड़ के केंद्र में आ जाएंगे, और 22 तारीख से और ज़्यादा, क्योंकि बुध भी केंद्र में आ जाएंगे तो सूर्य बुध केतु की युति बनेगी। यह युति भी आपके लिए काफ़ी आनंदमय, लाभप्रद रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 तारीख को आ रहे हैं, तो इनका सीधा सीधा प्रभाव भाग्य पर, निजी जीवन पर और बुद्धि पर, एजुकेशन के घर में रहेगा। तो 20 तारीख से तो यही काफ़ी कुछ संभाल लेंगे आपके लिए अकेले। तो ऐसा ग्रह गोचर है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मैंने भी आपको बताया। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। 28, 29, 30 और 31 तारीख को मैं बॉम्बे में रहूँगा, आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 7011805461, 9899888433। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, ज्योतिषाचार्य मानविंदर रावत जी 28 अक्टूबर